बुबाक राबाई एमएलए ब्रिशके तो देवर्मा नि शाकथारमुं बाय हास्तिनि खरक नि ताखुक राजीव देवर्मा गुरुपद्म देवर्मा बांग्लादेश मलबी बाजार डिस्ट्रिक्ट जेल नि हास्तेव किफिली दङ थांनाय तालकिसा सुकां लेंग्राबारी इस करंजीश्वरा पीएस चाम्पा आवार खुआई डिस्ट्रिक्ट नि खरक नि ताखुक राजीव देवर्मा गुरुपद्म देवर्मा भारत बांग्लादेश हा आरिव सामुखलाय दंमानि बांग्लादेश नि बीजीबी नि सेंग्राग्रक बरकन एरें एरें न रमुई तलांगो मुसा माजरा शिलचा मुंगुरिनि बाय बांग्लादेश दरबार नकनि फासिंते भारत हाक्टर किफिले नहरनानि साखलाय जाखफानो बांग्लादेश जेलनो चबै तनि जागो हास्तिनि खरकनि दाखुनि जिंजालिंग कक्टमा माने बुबाग्रा प्रदत किशु देवर्मन एमएलए ब्रिशकेत देवर्मा राजीव देवर्मा बाय गुरुपद्म देवर्मानि नखुनि साम बाजाखा ते एरें एरें बांग्लादेश जेल जबै तनि जाखनाय खरकनि दाखुन हास्तिव किफिलि तुबुनानि बारजा नाहारका हास्तिनि खरकनि दाखुन हास्तिव किफिलि तुबुथानि इंडिया बांग्लादेश एम्बेसेडर विक्रम दुराई स्वामी चुबामा बागै खा काहाम याफरका बुबाग्रा ते गुबुन हाक्टर हास्ति रगो गजाजाक जोंजालो कलाइजाक तंगनाय हिरकन फियोकुइ तुगुनानि बागै तिया तंगो बुबाग्रा हानि बसाका बिनि ककलामो आई वुड लाइक टु थैंक द इंडियन एम्बेसडर टु बांग्लादेश विक्रम दुराई स्वामी जिससे मैंने आपसे 15 दिन पहले हमारा कम्युनिकेशन हुआ था. उन्होंने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया एंड आज फिर से आई हैव स्पोकन टू द इंडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश विक्रम दुराई स्वामी और उन्होंने मुझे खुशखबरी दिया है कि राजीव देवर्मा और गुरुपद्म देवर्मा को रिलीज किया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी भी आया है कि वो उनको चेक गेट से वापस इंडिया में वापस लेके आए. मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि बहुत कम समय में हमारे इंडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने जो मेरा रिक्वेस्ट था उसको रिस्पॉन्ड किया. आज जब मैंने उनसे खुद बात किया तो उन्होंने कहा कि उनके मदर इन लॉ कोमिला सर और उनका एक सेटअप भी है, उनका पुराना एसोसिएशन है त्रिपुरा के साथ. इनफैक्ट साउथ में उनका एक जगह भी है जहाँ में वो उनका एक ट्रस्ट है जहाँ में वो बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं. तो आज से एक महीने पहले जब मैं राजीव देवर्मा और गुरुपद्म देवर्मा के बीवी से मिला था, उनके फैमिली से मिला था, तो मैंने उनको अश्योरेंस दिया था कि उनका रिलीज के लिए अगर दरकार हो तो मैं बांग्लादेश भी जाऊँगा. और उसी समय मैंने इंडियन एम्बेसडर से बात किया था और उन्होंने आज इतने जल्दी इतने कम समय में रिएक्ट कर उनका रिलीज किया है. तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ऋषिकेतु देवर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, प्रस्मित को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, विशु को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनके फैमिली को जिसको मैंने प्रॉमिस किया था कि सब ठीक हो जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी और अगर हमारा कोऑपरेशन ऐसे ही रहा तो हमारे जो तिप्रसा लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए. आज हम लोग किसी से भी कहीं में भी, बांग्लादेश हो, दिल्ली हो, अमेरिका हो, कहीं में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमको रिस्पॉन्स भी मिलता है. ये है क्योंकि आज का जो तिप्रासा है वो अब दूसरी दुनिया से, दूसरे स्टेट से कम्युनिकेशन करना सीख चुका है और अब कोई भी तिप्रासा कहीं में भी अगर फंसा रहेगा तो हम उनको पूरा से पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे. बेलाइनो हम बाय, थैंक यू, धन्यवाद.